बिहार में 21 अक्टूबर को कुल 5 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव की घोषणा होते ही उम्मीदवारों की भी तैयारी उतारने की कर ली गई है। राजद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, सिंबल दे दिया, और जदयू ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है, औपचारिक घोषणा करना बाकी है। दोस्तों आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। सबसे ज्यादा जीच पैदा हो रहा है सिवान के दरौंदा सीट पर। सिवान एक चर्चित क्षेत्र रहा जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। बाहुबली शहाबुद्दीन का राज वहां चला करता था और वहां अजय सिंह जो बहुत बड़े डॉन हैं और अजय सिंह के ऊपर हत्या और अपहरण का कुल 30 से ज्यादा मामला लंबित है। अजय सिंह अपने बाहुबल के आधार पर अपने मां को फरारी स्थिति में जगमाता देवी को वहां से दरौंदा से विधायक बनाया। जब उसके मां की मृत्यु हो गई तो नीतीश जी से मांगा गया टिकट, तो नीतीश जी ने अपराधी होने के कारण नहीं दिया। तो आनन फानन कविता सिंह से उन्होंने विवाह किया और विवाह करके अपने पत्नी को टिकट दिलवाया, उपचुनाव में जीती, फिर दोबारा जीती और शहाबुद्दीन के क्षेत्र कहे जाने वाले सिवान में जदयू ने 19 में कविता सिंह को टिकट दिया और वो जीत गई। इसके पूर्व की कहानी थोड़ा समझना जरूरी है। शहाबुद्दीन से लोहा लेने वाले ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव जीतकर सांसद बने, दोबारे वे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बने और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दोबारे सांसद बने। 19 में उनकी टिकट काट दी गई, जदयू को कविता सिंह को टिकट दी गई, जीत गई। लेकिन जब दरौंदा से अजय सिंह को टिकट देने के लिए जदयू ने जब मंथन किया और जब तैयारी कर रखा है केवल औपचारिक घोषणा होनी है, अजय सिंह का जब नाम सामने आया तो सबसे ज्यादा आग बगुला होने लगे ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव जो भाजपा के पूर्व सांसद हैं, वर्तमान में भाजपा के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि जिस शहाबुद्दीन से सिवान की मुक्ति दिलाई गई, फिर एक शहाबुद्दीन को नीतीश कुमार जी पैदा करने में लगे हुए हैं, फिर एक बार सिवान अशांत हो जाएगा। अजय सिंह बाहुबली हैं, डॉन हैं, हत्या अपहरण का 30 से भी ज्यादा मामला उन पर लंबित है, जेल यात्रा उनकी हो चुकी है, वो बिहार सहित उत्तर प्रदेश के डॉन हैं, और एक शहाबुद्दीन का खात्मा अगर करने की सरकार कहती है और दृढ़ संकल्पित है तो फिर अजय सिंह जैसे डॉन को फिर टिकट देकर फिर एक शहाबुद्दीन को पैदा करने का नीतीश कुमार जी क्यों षड्यंत्र कर रहे हैं। ओम प्रकाश यादव ने लोहा लिया था और शहाबुद्दीन का अंत करने में ओम प्रकाश यादव की अहम भूमिका रही थी। फिर एक बार ओम प्रकाश यादव ने अपराधियों के खिलाफ बिगुल फूका है। उनका मानना है कि अगर अजय सिंह को टिकट मिलता है, चूंकि पत्नी सांसद बन गई, अगर अजय सिंह को नीतीश जी टिकट देते हैं तो फिर एक बार सिवान सहित अन्य जिला आसपास के अशांत हो जाएंगे, फिर एक बार गोलियों की तरतराहट गूंजने लगेगी, अपहरण और हत्या का बाजार फिर एक बार गर्म होगा और फिर एक शहाबुद्दीन जन्म लेगा। अगर नीतीश कुमार जी अपने को विकास पुरुष कहते हैं, अपराध जीरो टॉलरेट की बात करते हैं, तो उन्हें अजय सिंह जैसे वांछित अपराधी को टिकट देना उचित नहीं होगा। अपहरण हत्या के 3 दर्जन से ज्यादा मामला लंबित रहने वाले अपराधी अजय सिंह, जो राजनीति चादर ओढ़कर अपने आप को बचाने का प्रयास शुरू से किया और बचते रहे, और उन्हें टिकट देके विधायक बनाया जाए, यह तो आम जनता के साथ अन्याय है। अजय सिंह के विरोध में आवाज ओम प्रकाश यादव ने स्पष्ट रूप से उठाया। उन्होंने कहा कि सिवान के धरती को अपराध मुक्त बनाने के लिए मैंने शहाबुद्दीन से लोहा लिया और फिर एक बार एक नया शहाबुद्दीन को पैदा करने के लिए नीतीश कुमार जी तैयार हैं, जो सरासर गलत है। सिवान की जनता अमन चैन शांति महसूस कर रही है, लेकिन जिस दिन
अजय सिंह विधायक होंगे फिर एक बार अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि वो खुद अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और फिर सिवान शांत हो जाएगा। अब सवाल है कि इतने बड़े आरोप के बाद अब नीतीश कुमार को फैसला करना होगा कि अजय सिंह जैसे वांछित अपराधी या कोई अच्छे व्यक्ति को वहां से टिकट दिया जाए। घोषणा होना बाकी है, अगर चाहे तो नीतीश जी टिकट देने के बजाय टिकट का बदलाव कर सकते हैं, अच्छे लोगों को उम्मीदवार बना सकते हैं। अब यह नीतीश कुमार जी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो जीरो टॉलरेंट अपराध को मानते हुए अपराधी को छांटते हैं, या कहने के लिए जीरो टॉलरेंट अपराध, आनंद सिंह को जेल भेजने के लिए जीरो टॉलरेंट अपराध, या अजय सिंह को आगे बढ़ाने के लिए जीरो टॉलरेंट अपराध। अब देखना यह है कि अपराध का बात करने वाले नीतीश कुमार जी क्या करते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।